हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर कॉल्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, सो इस सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है HSC महाराष्ट्र बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर है ये। सो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन चैप्टर में इन द ईयर 2020 MCQ आया था। ओके, एक MCQ पूछा गया था और वो MCQ था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन। ओके, सो नंबर ऑफ मोल के ऊपर एक MCQ पूछा गया था 2020 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सो यहां से इस पेज से तो कोई भी ऐसा कोई टॉपिक एग्जाम में नहीं आया था। ओके, अब तक नहीं आया है। और फिर बाद में सॉल्युबिलिटी। ओके, सो सॉल्युबिलिटी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़कर जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसको पढ़ के जाइए आप एग्जाम में। उसके बाद आता है हमारा इसी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी टॉपिक में सेकेंड टॉपिक, जो कि है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सो ये जो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी है, ये टॉपिक एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ओके, सॉरी, 3 बार आ चुका है इन द ईयर 2015 ऑफ मार्च। ओके, सो 2015 मार्च में यहां से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद 2017 जुलाई में यहां से एक क्वेश्चन आया है। और उसके बाद 2013 अक्टूबर में यहां से एक क्वेश्चन आया है। ओके, सो बेसिकली 3 साल क्वेश्चन आए थे और उन्होंने सीधा बोला था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, सो ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद चलिए आगे देख लेते कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेनरीज लॉ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन यहां से बन के आता है इस पेज से। सो बेसिकली क्या क्वेश्चन आता है, सो 2014 मार्च में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, सो क्वेश्चन वॉज कि वाई एक्वाटिक एनिमल्स प्रेफर टू स्टे लोअर लेवल ऑफ वॉटर ड्यूरिंग समर। सो यहां से एक क्वेश्चन बना था। ओके, सो इसका आंसर आपको इसी पेज पे मिल जाएगा। दैट इज अगर आप हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ये जो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस किया, सो उसको पढ़ेंगे तो ये 1-2 पेजेस में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये एक क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ। ठीक है, यहां से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन आया चलिए देख लेते हैं। सो 2020 में न्यूमेरिकल आया है यहां से एक। ओके, बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। उसके बाद 2018 मार्च में यहां से एक क्वेश्चन आया था कि स्टेट हेनरीज लॉ। उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था इन द ईयर 2017 ऑफ जुलाई। ओके, नेक्स्ट 2016 जुलाई में भी यहां से एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन कि स्टेट हेनरीज लॉ। ठीक है, उसके बाद 2013 में अक्टूबर मंथ में यहां से क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था। ओके, सो बेसिकली यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़कर जाइए। उसके बाद आप देखेंगे ये जो हेनरीज लॉ का जो कांस्टेंट है उसके यूनिट क्या है वो भी पढ़ के जाइए। वो भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस ज्यादा है। सो आई विल सजेस्ट कि आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स। ओके, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स यहां से मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल नहीं बने हैं, बट यहां से एक
या दो न्यूमेरिकल कम से कम, ओके दो न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो बहुत ही रेयर है, सो आई विल सजेस्ट कि एक न्यूमेरिकल यहां से बनने के चांसेस ज्यादा है, ओके दैट इज फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो राउल्ट्स लॉ से एक न्यूमेरिकल बनने के चांसेस है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है, इजी है, इसमें इतना ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको भी आप पढ़ के जाइए, एक या दो मार्क के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब तक यहां से एक भी क्वेश्चन आया तो नहीं है, क्योंकि ये नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है आपके इस सिलेबस में, सो आई विल सजेस्ट कि आप यहां एक बार रीड करके जाइए, ओके ये एग्जाम में अब तक आया तो नहीं है, बट स्टिल आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ये नया टॉपिक है तो यहां से आने के चांसेस थोड़े से लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये जो टॉपिक है, टॉपिक मतलब इतने ही पार्ट से उन्होंने एमसीक्यू पूछा है, और वो भी दो बार, ओके सो कौन कौन से ईयर में एमसीक्यू पूछा है चलिए देख लेते हैं हम लोग। सो इन 2015 मार्च के पेपर में उन्होंने यहां से एक एमसीक्यू डाला था, ठीक है, और उसके बाद 2014 मार्च में भी उन्होंने यहां से एक एमसीक्यू डाला था, ठीक है। सो उन्होंने एक बार पूछ लिया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, जिसका आंसर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था ये वाला, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ओके। और उसके बाद उन्होंने एक और एमसीक्यू दिया था, दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च 2014। सो उन्होंने वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है वो बताइए, ठीक है। सो उन्होंने चार ऑप्शन दिया था जिसमें से आपको रॉन्ग वाला आंसर चूज करना था, ठीक है। सो बेसिकली यहां से क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद ये जो वेपर प्रेशर लोअरिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं भर भर के। सो कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन आए हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं, ओके सो राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहां से तो ज्यादा टॉपिक मतलब यहां से क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, ठीक है, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है। नेक्स्ट, यहां से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। सो यहां से आप देखेंगे इन 2017 मार्च, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सो उन्होंने क्वेश्चन दिया है 2017 मार्च में। सो 2017 मार्च में यहां से एक क्वेश्चन आ चुका है। 17 मार्च में उन्होंने बेसिकली बोला था कि डिराइव कीजिए रिलेशन को बिटवीन द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग, ओके। उसके बाद उन्होंने 2016 न्यूमेरिकल दिया था, ओके सो 2016 मार्च में उन्होंने क्या किया था, न्यूमेरिकल दिया था। सो 2016 मार्च में यहां से न्यूमेरिकल आ चुका है बेस्ड ऑन दिस। और उसके बाद 2013 मार्च के पेपर में भी उन्होंने डेरिवेशन डिराइव करने बोला था, ओके सो आई विल सजेस्ट कि ये टॉपिक आप करके जाइए, इवन ये टॉपिक क्या मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला टॉपिक भी करके जाइए और इसको भी पढ़ के जाइए, दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है, इसको अच्छे से समझ के पढ़िए, यहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस और डेरिवेशन आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को। सो ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टॉपिक है यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। सो 2018 मार्च में, दैट इज 18 मार्च के पेपर में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ओके उन्होंने पूछा था कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू इथेन के, ऐसा एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उसके बाद इन 2016 मार्च में उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछ लिया था, ओके क्या पूछा था उन्होंने, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2014 मार्च में, 2014 मार्च में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उसके बाद जो 2016 था जुलाई का पेपर, ओके 2016 जुलाई में जो पेपर आया था उसमें यहां से न्यूमेरिकल आया था, ओके क्या आया था 2016 जुलाई में यहां से न्यूमेरिकल आया था इस टॉपिक के ऊपर से। उसके बाद 2014 अक्टूबर के पेपर में यहां से एमसीक्यू आया था और एक न्यूमेरिकल आया था, ओके सो 2014 अक्टूबर में भी यहां से बन चुका है क्वेश्चन। सो ये देख सकते हैं आप 18 मार्च में पूछा गया है, 16 मार्च में पूछा गया है, 2014 मार्च में, फिर 2016 जुलाई के पेपर में, और फिर अगेन 2016 के जुलाई में न्यूमेरिकल पूछा गया, और फिर 2014 में एमसीक्यू और न्यूमेरिकल, दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वाला पेपर उसमें पूछा गया था। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके
उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। सो ये भी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन तो आया नहीं है, ये आपको समझने के लिए है, बट यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से हाई हैं। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। कैसे क्वेश्चन आए हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सो 2016 मार्च में, ओके 2016 मार्च का जो पेपर था उसमें यहाँ से MCQ आया था, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर से। उसके बाद उन्होंने 2015 अक्टूबर में ये जो एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है उसका डेफिनेशन पूछा था, और सेम उसी पेपर में उन्होंने बोला था कि यूनिट ऑफ KB क्या है वो बताइए, ठीक है। सो ये आपको इसीलिए पढ़ के जाना है क्योंकि यहाँ से चांसेस ज़्यादा है, राइट। ये जो टॉपिक्स है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये सब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ये भी पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो यहां से 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है, और उसके बाद 2017 मार्च का जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल आ चुका है इस टॉपिक के ऊपर से। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए, ओके 2017 मार्च में न्यूमेरिकल आ चुका है यहाँ से। सो आपको पढ़ के जाना है इस टॉपिक को। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए। सो 2013 मार्च में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से, ओके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, और 2017 मार्च के क्वेश्चन में ही उन्होंने क्या किया था कि आपको MCQ पूछा था, और उस MCQ में आपको चार सॉल्यूशन के एग्जांपल दिए थे और बोला था कि इसमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ओके। सो याद रखिए ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा सॉल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ओके, क्योंकि वो MCQ में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं। सो इसीलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद 2016 जुलाई में उन्होंने ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, 2016 जुलाई में आ चुका है। उसके बाद 2018 जुलाई में भी अगेन उन्होंने डेफिनेशन पूछा है, ओके फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछा था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 2018 में ही न्यूमेरिकल भी पूछा है इस टॉपिक के ऊपर। क्या पूछा है? न्यूमेरिकल पूछा है। फिर 13 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें उन्होंने MCQ पूछा है इस टॉपिक से, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कौन कौन से ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बना है। सो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए, ओके उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। ओके अब आता है हमारा टॉपिक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ओके यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डेफिनेशन है, ओके क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का, सो ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन है ये उन्होंने एक बार पूछा है इन 2018 जुलाई का जो पेपर था उसमें यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको रीड करके जाइए। उसके बाद उन्होंने 2014 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें भी डेफिनेशन पूछा था, ओके सो आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके उसके बाद ये जो रिलेशन है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आए 2019 जुलाई में क्वेश्चन आ चुका है यहां से। उसके बाद उन्होंने 2016 मार्च में क्वेश्चन पूछा है, 16 मार्च में यहां से क्वेश्चन पूछा है, ओके और उसके बाद उन्होंने 2015 मार्च में भी यहां से क्वेश्चन पूछा है। ये जो 2015 मार्च में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो न्यूमेरिकल टाइप था, ओके उन्होंने क्या पूछा था? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा था इन 2015 मार्च, ओके सो यहां से ये टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो भी इंपॉर्टेंट ही है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके सो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये टॉपिक यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। सो इन 2018 मार्च के पेपर में डेफिनेशन पूछा गया था व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसके बाद 2016 जुलाई का जो पेपर था उसमें उन्होंने क्या किया था? MCQ पूछा था, उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इसमें से कौन सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा था। सो आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना था। उसके बाद ये टॉपिक होने के बाद जो टॉपिक आता है वो है ऑस्मोसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ से 2016 जुलाई में क्वेश्चन आया है,
और उसके बाद 2013 मार्च में क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से। सो बेसिकली उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने डेफिनेशंस पूछा है, ओके डेफिनेशन पूछा है उन्होंने इस टॉपिक से। उसके बाद ये टॉपिक होने के बाद आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका भी उन्होंने डेफिनेशन पूछा है। सो 2020 जो 2020 का पेपर था उसमें उन्होंने यहाँ से डेफिनेशन पूछा था। उसके बाद 2018 मार्च, ओके 18 मार्च का जो पेपर था उसमें उन्होंने MCQ पूछा था यहाँ से, क्या पूछा था, MCQ पूछा था। उसके बाद 2019 जुलाई का जो पेपर था उसमें उन्होंने डेफिनेशन पूछा था इसका, और उसके बाद 2017 जुलाई का जो पेपर था उसमें भी उन्होंने क्या किया है, डेफिनेशन ही पूछा है। सो बेसिकली यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो तीनों डेफिनेशंस है ये पूछा गया है 2019 मार्च के पेपर में, ओके सो 2019 मार्च के पेपर में यहाँ से डेफिनेशंस पूछे गए थे ये तीनों के। उसके बाद 2013 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है खाली इसका ही उन्होंने डेफिनेशन पूछा था 1 मार्क के लिए, ओके सो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इसके भी आने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने ये जो रिलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का इसको पूछा है इन द पेपर 2019 जुलाई, ओके 2019 जुलाई का जो पेपर था उसमें उन्होंने सीधा ये डिराइव करने के लिए बोला था, दैट डिराइव पाई इज इक्वल टू CRT, याद रखिए उन्होंने बोला था पाई इज इक्वल टू CRT, ये रिलेशन डिराइव कीजिए तो आपको पता ये M इज नथिंग बट C, ओके नेक्स्ट। अभी उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके आगे जो टॉपिक आता है वो है हमारा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। सो यहाँ से बेसिकली डेरिवेशन तो पूछा ही उन्होंने और न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे हैं। सो 2017 मार्च, जो 2017 मार्च का जो पेपर था सो उसमें उन्होंने एक न्यूमेरिकल पूछा था यहाँ से, ओके क्या पूछा था, न्यूमेरिकल पूछा था। उसके बाद उन्होंने 2014 मार्च का जो पेपर है, 2014 मार्च का जो पेपर उसमें भी न्यूमेरिकल पूछा है यहाँ से, और उसके बाद 2017 जुलाई का जो पेपर है, 2017 जुलाई का जो पेपर है उसमें भी उन्होंने न्यूमेरिकल ही पूछा है यहाँ से इस टॉपिक से, ओके सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए और न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर सॉल्व करके जाइए। ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस पे न्यूमेरिकल आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, तो आपको न्यूमेरिकल करके ही जाना है इस टॉपिक से, ओके रिवर्स ऑस्मोसिस जो है यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ओके उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादातर पूछा नहीं है, ओके उसके बाद आता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर आई, ओके सो वेंट ऑफ फैक्टर आई ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपके HSC बोर्ड 2021 के एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, बट मैं इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि ये जो वेंट ऑफ फैक्टर आई है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, सो 2020 मार्च का जो पेपर था उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद उन्होंने 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा था मार्च के पेपर में। सो 2019 मार्च के पेपर में उन्होंने बोला था कि डिराइव वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन, ऐसा करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद अगेन उन्होंने 2018 जुलाई में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है, ओके और उसके बाद उन्होंने सेम क्वेश्चन 2015 मार्च में पूछा था घुमा के, ओके और उसके बाद उन्होंने 2015 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें एक MCQ पूछा था यहाँ से, और उसके बाद 2014 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें भी उन्होंने डेफिनेशन पूछ लिया था, ओके और नेक्स्ट उन्होंने ये जो टॉपिक है आपका वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था इन 2014 अक्टूबर, ओके 2014 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें उन्होंने सीधा बोला था कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके सो यहाँ तक ही क्वेश्चन उन्होंने किया है, बस इतने टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। सो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, सो आपको क्या पता चला, आपको क्या पढ़ना है, सो बेसिकली आपको ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल तो करना कंपलसरी है क्योंकि न्यूमेरिकल आने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा है। नेक्स्ट आपको क्या पता चला कि 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनेंगे, ओके यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और न्यूमेरिकल बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा,
आएगा. सो न्यूमेरिकल आएगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से, ओके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक, और उसके बाद आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. ये तीन से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज्यादा है. और चौथा कौन सा होगा? सो चौथा वो लोग ले सकते हैं हेनरी लॉ, ओके. और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वहां से टॉपिक बनने के चांसेस थोड़े हैं, ओके. इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा आएगा, बट वहां से चांसेस है, आ सकता है एग्जाम में. वी डोंट नो कहां से क्या टॉपिक उठा के वो डाल देंगे, ओके. बट कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बताया, और यहां से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा ही आएगा, इसको याद रखिए, ओके. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.